क्वेश्चन आप सुनो, देखिए समतुल्य पट्टा क्वेश्चन है, 30% 20% और 10% के क्रमिक समतुल्य पट्टा ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चार ऑप्शन आप सामने, एक सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो अपन 100 लिख दें, क्या लिख दें 100, सबसे पहले अपन क्या लिख दें 100 लिख दिया है ना। अब ये 30% है तो 30 में से 100 में 30 गए तो कितने बचे 70 बट्टा 100। इसी प्रकार 20 गए तो 80 बट्टा 100। इसी प्रकार 10 गए तो 90 बट्टा 100। 100 से 100 कट गया, एक दो सिफर से दो सिफर कट गई और इस वाली सिफर से भी सिफर कट गई। देखो 8 सात 56 में 9 का गुणा कर दें, देखो 9 छंग 54 के 4 आंसर लाया 5, 9 पाँच 45 5 50, तो एक अंक छोड़ के 10। अब ये जो 50.4 है ना, इसको 100.0 में से माइनस कर दो, 50.4, तो 10 में से 4 गए तो कितने बचे 6, और यहाँ 9 का 9 ही 9 और 9 में से 5 गए तो 4, 49.6% 49.6% ये वाला सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, देखो तो किसी क्रमिक 20% 10% 25% 10% के क्रमिक समतुल्य पट्टा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ 100 लिख दीजिए दोस्तों, गुणित 20 को घटाओ, 100 में से 20 घटाएं तो कितने बचेंगे 80 बट्टा 100, 25 घटाएं तो 75 बट्टा 100 और 10 घटाएं तो 90 बट्टा 100, ठीक है। 100 से 100 कट गया, सीपर से सीपर, एक और सीपर से एक सीपर कट गई, ठीक है। 25 एकम 25 25 तीय, देखो 25 तीय 75 25 चौके 100 है ना, 9 तीया 27 दो में 8 भी है 8 तीया 24 24 में 9 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 9 चौक 36 का 6 आंसर 3, 9 दो 18 3 21 और इसमें भाग लगाएंगे 4 का है ना, तो 4 पंजो 20 एक बचा, फिर यहाँ से 16 4 चौक 16 तो 54 आए, कितना है 54, तो 100 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचा 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 5 गए तो 4, यानी कि 46% अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।